माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। आप देख सकते हैं कितना बड़ा दाना है, है? माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दूसरा शिकार लगा है, ये रोहू मछली है का, ये ताज़ा शिकार है। ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त किस्म का ये रोहू मछली। ये है पानजड़, ये है कबाबा, इसको कबाबा बोलते हैं, और ये है खाल, सरसों की खाल इसको बोलते हैं। इसको भुनी आ रही है और इसको तवे के ऊपर भुना जा रहा है अभी रोहू मछली के शिकार के लिए। और इसके साथ हैं ये सफ़ेद चावल उबले हुए, कच्ची बांस पत्ती के चावल, ये इस तरीके से उबालना है, बॉयल करना है इनको। इसके अंदर कबाबा मिक्स कर रहे हैं सरसों की खाल के अंदर, ये हमने कबाबा डाला है और इसको हम मिक्स कर रहे हैं। आधा किलो खाल के अंदर हम डाल रहे हैं, ये आधा किलो खाल है, उसके अंदर 20 ग्राम कबाबा है, उसके अंदर 20 ग्राम हमने कबाबा डाला है, ऐड किया है, और इसको हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये 20 ग्राम पान जाड़ है, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे 20 ग्राम पान जाड़, सरसों की खली के अंदर ऐड करेंगे, ये आप देख सकते हैं, इसको पान जाड़ बोलते हैं। और अच्छे से हमने इसके अंदर मिक्स कर लिया है अभी। अभी इसके अंदर मकई का दाला हम डाल रहे हैं, ये भी तकरीबन 25-30 ग्राम, ये 30 ग्राम आप डाल सकते हैं मकई का दाला, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मकई पीस कर हमने डाली है, आप उसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, अलावा बनाना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना, ज़्यादा बारीक भी नहीं करना। ये भी हमने अभी मिक्स कर ली है, चावल कब लगेगी बताना। अभी ये तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, हमने अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लिया है, तो अभी हम इसके अंदर एक और चीज़ हम ऐड कर लेंगे जो बहुत ही लाजमी और ज़रूरत की है और हर घर में मौजूद होती है, उबले हुए सफ़ेद चावल इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं ये सफ़ेद चावल हैं जो बॉयल कर लिए थे हम, अभी इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, और थोड़े थोड़े करके इसके अंदर ऐड करना है, एक साथ ऐड नहीं करना है। फिर हमने इसको हाथ की मदद से मसलना है, इन तमाम चीज़ों को इस तरीके से मसलते जाना है, तकरीबन 5-5 मिनट इनको मसलना है, तकरीबन आपके इन लग जाएंगे 8-10 मिनट इनको इस तरीके से मसलते हुए तकरीबन लग जाएंगे, फिर आपका चारा रेडी हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं हमारा तकरीबन चारा तैयार हो चुका है और रेडी हो चुका है, इसका प्रयोग हम जाकर करेंगे दरिया की कंधी के ऊपर, दरिया पे जाएंगे वहीं आपको इसके करामात दिखाएंगे इस चारे के। हम रोज़ इसके ऊपर तकरीबन 1-1.5 किलो की मछली पकड़ रहे हैं, वो भी रोहू मछली। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को वॉच करें।
एक और नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।